वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, बिंदास होंगे। आज जनाब, आज का दिन कैसे स्टार्ट हो रहा है? आज मैं जा रही हूँ अपनी एक फ्रेंड से मिलने। जब मैं जर्मन कोर्स कर रही थी तो उस वक्त वो मेरे साथ होती थी, और उसका मैसेज बड़े अरसे बाद, मेरे ख्याल में उसका नंबर मेरे पास ऐड था और व्हाट्सएप पे हम लोग बातचीत करते थे उस वक्त जब हमारा कोर्स चल रहा था। मगर अभी इतने अरसे में हमारी कोई बातचीत नहीं हुई, कोई मतलब हम लोग नहीं मिले आपस में। तो उसका मैसेज मेरे पास आया, उसने कहा कि कहाँ हो मुना? मैंने कहा मैं यहीं हूँ भाई, कहाँ जाना है मुझे? तो फिर जनाब हमने सोचा कि हम लोग जो हैं वो किसी अच्छे खाफे में बैठ के चाय पीते हैं या कॉफी पीते हैं और साथ में केक इंजॉय करते हैं, कुछ गपशप करते हैं। तो आप मेरे साथ ही रहिएगा, आज की ब्लॉग भी देखें, धमाकेदार ब्लॉग, चले आए जी। अभी तो मैं जा रही हूँ तैयार होने, तैयार होके मैं आती हूँ, फिर चलते हैं। सही, ओके, अल्लाह हाफिज़। हाँ भाई, तो इस वक्त मैं रेडी हो चुकी हूँ और तैयार होके हम जनाब जा रहे हैं, तो आइए मेरे साथ। अच्छा जी, यहाँ पर हमने जो है वो कॉफ़ी पी है और चीज़ केक खाया, जो कि बहुत ही मज़े का था। उसके बाद मुझे वापस घर आना था क्योंकि मेरा एक शो था जो कि मुझे करना था अपने चैनल के लिए, मतलब मेरे अपने चैनल के लिए नहीं, देसी मीडिया के लिए करना था। और वो शो जब ख़त्म हुआ तो उसके बाद जाहिर सी बात है आज जुमा था तो नमाज़ वगैरह पढ़नी थी। उसके बाद जनाब मैंने जल्दी से जाके वज़ू वगैरह किया क्योंकि टाइम यहाँ पर बड़ा शॉर्ट होता है, जल्दी अंधेरा हो जाता है। नमाज अदा करने के बाद मुझे बेकरी जाना था नजमी को लेने। हफ्ते का दिन है आज, नाश्ता वगैरह करके अब मैं फ्री हो चुकी हूँ और कुछ घर की समेटा समाटी करनी है। और आज मुझे जाना है जनाब फ्रैंकफर्ट एक इवेंट में, थोड़ा सा वो इस उस जो है इवेंट को भी हम कवर करेंगे थोड़ा बहुत, और उसके बाद जो है एक सरप्राइज आपके लिए कि वहाँ पर कौन गेस्ट होगा। तो ये आप मेरी ब्लॉग में एंड तक देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि कौन वहाँ पर गेस्ट है और किस तरह का इवेंट है, ये आप इस ब्लॉग में देखिएगा। अच्छा जी, उसके अलावा आज जो है ना थोड़ा सा अपने संवारना है अपने आप को, तो थोड़ा सा मैं अपने फेस की थोड़े सा केयर वेयर करती हूँ। केयर क्या करना है यार, थोड़ा सा फेशियल वगैरह करते हैं, ठीक है? और फिर उसके बाद जो है वो बालों वगैरह को देखते हैं कि आज किस तरह का हम जो है वो हेयर स्टाइल बनाते हैं। और दूसरा ये कि आज जो मैं सूट पहन रही हूँ जनाब, वो मारिया बी का है और आपको दिखाऊंगी, खबर करें, देखेंगे आप भी वो सूट के किस तरह का है। तो आइए सबसे पहले तो थोड़े से घर के काम जो है ना वो ख़त्म करते हैं और फिर उसके बाद जब तैयार हो रहे होंगे तब की थोड़ी सी वीडियो बनाएंगे और फिर इंशाल्लाह आप जो है मेरे साथ ही रहिएगा और देखते रहिएगा। मेरा सूट है और इस वक्त आप देख रहे हैं कि इसकी शॉल है, बड़ी अच्छी ज़बरदस्त सी शॉल है इसकी, और जनाब ये जो है इसका कुर्ता है और इसी तरह का इसका ट्राउज़र है। तो ये जनाब जब हम पहनेंगे तो मुझे उम्मीद है कि अच्छा लगेगा। और बड़ा अच्छा ये सूट है, कपड़ा बड़ा अच्छा है, सर्दी के हिसाब से मोटा, तो मुझे बड़ा पसंद आया था सूट। अब इसके साथ डिसाइड ये करना है कि आया कि इस तरह के शूज़ लिए जाएं या फिर इसके साथ जो है ब्लैक शूज़ पहने जाएं। चले वो डिसाइड कर लेंगे, और ज्वेलरी क्या पहननी है ये भी हम अभी डिसाइड कर लेंगे। तो अब निकलते हैं हम, तकरीबन 2 बज रहे हैं ताकि हम टाइम से पहुंच जाएं, ठीक है? आप 10-15 मिनट पहले निकल जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है कि आदमी कुछ रहा हो या रश आवर्स का भी ख्याल रखना पड़ता है। तो चलते हैं। इस वक्त हम पहुंच चुके थे उस इवेंट में, और बेसिकली ये इकबाल डे पे मनाया गया था ये प्रोग्राम, और ये प्रोग्राम जो है मुनक्किद किया था पाकिस्तान ओवरसीज अलायंस फ्रॉम वालों ने। बहुत ही कामयाब इवेंट था। अच्छा, यहाँ पर पाकिस्तानी कम्युनिटी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले उन लोगों को अवार्ड्स दिए गए जिन्होंने पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए बहुत काम किया और अभी तक कर रहे हैं। और मैं समझती हूँ ये POF का ये एक बहुत ही अच्छा इकदाम है और इंशाल्लाह ताला इनको बहुत कामयाबी मिले। आमीन सुमा आमीन। यहाँ पे हमारी मुलाकात बहुत ही फेमस एक्टर समीना अहमद साहिबा से हुई, और उनके साथ उनके हस्बैंड मंजर सहबाई साहब से मुलाकात हुई, और बहुत ही अच्छा लगा इन लोगों से बात करके। क्योंकि इकबाल डे भी था तो इस वजह से यहाँ पर इल्लामा इकबाल को भी खराज अकीदत पेश किया गया,
और मैं समझती हूँ कि एक बहुत अच्छा इकदाम है कि यहाँ पर रहने वाले वो लोग जो अपनी कम्युनिटी के लिए काम करते हैं और उन लोगों की हेल्प करते हैं, तो उन लोगों को और वो तालबे इल्म जो कि पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, उन लोगों को ज़रूर ज़रूर हमें जो है वो एक्नॉलेज करना चाहिए। इससे ये होता है कि उन्हें एक तरह से ये महसूस होता है कि जी बैरून मुल्क में रहने वाले लोगों को भी सराहा जा सकता है। यहाँ पर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी एजाज हुसैन प्यारा साहब का, चौधरी मज़हर इकबाल साहब का, चौधरी ज़ुबैर ख़ान साहब का और चौधरी इफ्तिकार अहमद साहब का कि उन्होंने इतना कामयाब इवेंट रखा। उसके अलावा उन लोगों का भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने इस इवेंट को कामयाब बनाने के लिए अपनी खिदमात अंजाम दी। यहाँ पर मेहमान खुसूसी पाकिस्तानी सफ़ीर डॉक्टर मोहम्मद फैसल साहब ने भी शिरकत करी। इसके अलावा यहाँ पर पाकिस्तानी एम्बेसी फ्रैंकफर्ट के जनरल कौंसलर जनरल जाहिद हुसैन साहब ने भी शिरकत करी। इसके अलावा पाकिस्तान के मारूफ व मशहूर सीनियर एक्टर्स ने भी इसमें शिरकत करी, समीना अहमद साहिबा और साथ में मजहर साहबाई साहब। और जनाब इन मेहमानों ने इस तकरीब को चार चांद लगा दिया। और उसके अलावा समीना जी ने जिस तरह अपने जर्मन लैंग्वेज कोर्स के बारे में बताया कि उनको क्या क्या मुश्किलात पेश आई थी, वो सुन के वो बातें सुन के हमें एक अलग मज़ा आया, एक लुत्फ़ आया, क्योंकि वो जिस अंदाज से बता रही थी जाहिर सी बात है एक बिल्कुल डिफरेंट ज़बान सीखना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ जनाब मेरी फ्रेंड अपने हस्बैंड के साथ आई हुई थी तो मैंने कहा चलो भाई मैं तुम्हारी भी थोड़ी सी वीडियो बनाती हूँ और उनसे इजाज़त लेके फिर हमने वीडियो बनाई। अब आइए चलते हैं और देखते हैं कि तकरीब ख़त्म हो जाने के बाद जनाब हमने क्या इंजॉयमेंट करी। हाँ जी, तो आज हमारे तीन वेले भी आए हुए हैं और साथ में जो है लेकिन जलेबी है सारी मोना खा के। आज मेरी बड़ी खुशकिस्मती का दिन है, आज मेरी बड़ी खुशकिस्मती का दिन है कि मैं ये बड़ा फनकार, बड़ा फनकार, ये भी फनकार तुम भी हो। इनके साथ लौटते हैं लेने नवाज से, वो कहाँ पर है? हाँ जी, तो यहाँ पर इस वक्त शारिक भाई खड़े हैं, टट्टन हैं, और ये खड़े हैं जनाब उस्मान, और ये लोग सोचे आप लोग कि म्यूजिशियन से तशरीफ लेकर आए, और यहाँ पर खड़ी हैं फातमा, हेलो, और वो पीछे एक बेचारे उदास पंछी बैठे हुए हैं, ये बैठे डिजलडॉर्फ से आए हैं। और क्या तासुरात है आप लोग के? तासुरात ये है कि हम बहुत खुश हैं और मोना के पीछे मोना के जब ब्लॉग के जब भी हम आते हैं तो हम खुशी होते हैं। देखिए जी, हमें यहाँ पे आने की जो खुशी असल में थी कि हमारी मोना से मुलाकात होगी और हमारा एक जो इकट्ठा इवेंट है वो कामयाब हो जाएगा। वो एक डीएमडी जो हमने इकट्ठे जाना था वो हमेशा मुना आती थी म्यूनिट, आज ये लोग आए, बिल्कुल मुझे भी बहुत खुशी है कि ये लोग आए हैं यहाँ पर। और लेकिन लेकिन अफसोस, लेकिन एक एक चीज का दुख है कि मोना ने कैलर में भी जगह नहीं दी। नहीं दी बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगी फातिमा? हेलो, देखो बंदा पीछे भागता है। मुलाकात हुई और पाकिस्तानियों से मिलके बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई है। सिर्फ एक पाकिस्तानी को निकाल दो कौन? नहीं नहीं, जनाब इब्राहिम, हेलो। और इस वक्त हम जाने के लिए रवाना हो रहे हैं बाहर। बाय 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 बाय, मिलेंगे अब, कल मिलेंगे ना हलवापुरी? हाँ कल मिलेंगे, कल मिलेंगे, जाना किधरे नहीं, कहीं नहीं। जी व्यूअर्स, तो मुझे उम्मीद है कि आज का ये प्रोग्राम और ये व्लॉग आप लोगों को यकीनन बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो ज़रूर मुझे बताइएगा अपने कमेंट्स में और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।